नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटीआई टेक्निकल पर। मैं केएल गुप्ता। दोस्तों आज आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हैं। ये एसी का स्टेबलाइजर है और लुमिनस का है। उसमें फॉल्ट बड़ा विचित्र है कि ये कभी कभी तो एकदम फर्स्ट क्लास अच्छे पोजीशन में काम करता है और कभी कभी क्या होता है कि इसका इनपुट से कम आउटपुट का वोल्टेज हो जाता है। मतलब अगर जो 180 इनपुट आ रहा है तो 140, 45, 50 आउटपुट होता है। तो दोस्तों इस दशा में क्या इसमें कमी आ सकता है, क्या इसमें चेक करें, तो ये बहुत ही सिंपल वीडियो होगा और इसमें नॉलेज भी बहुत सिंपली आपको हम देंगे। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने समझने वाली बात नहीं है। ये फॉल्ट आपका पीसीबी का नहीं है, इसलिए पीसीबी का अगर फॉल्ट होता तो ज़्यादातर परमानेंट फॉल्ट आता है। ऐसा नहीं कि कभी काम किया कभी नहीं काम किया। इसका एक ही भाग ऐसा है जो मूव करने वाला है, वो है ये रिले। अब इस दशा में इस रिले को आप बदल दें, आपको निजात मिलना लगभग तय है। तो अब चूंकि ये इतना कन्फ्यूजन का इसमें स्टेबलाइजर में फॉल्ट था, कभी चलने लगता था कभी नहीं चलता था, तो मैं खुद कस्टमर के यहाँ लगभग 10 से 20 मिनट लगभग मैं रुक के इसको वेरीफाई किया, तब जाके क्लियर हुआ कि इसमें कभी सिम्पटम बदल रहे थे, रह रहा कि सिम्पटम इसका बदल रहा था। तो अब इसके लिए आपको करना क्या है, इसमें एक रिले जो ये 3 रिले देख रहे हैं, ये पीसीबी रिले है। ये आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। ये रिले आपको मार्केट से लाना है और आप इसको आँख बंद करके चेंज कर दीजिए, उसके बाद इसका रिस्पांस देखेंगे क्या होता है। आइए आपको हम इसको बदल के दिखाते हैं, क्या परमानेंट इसकी व्यवस्था अच्छी हो जाती है कि नहीं हो जाती है। इसके लिए हम अभी अपने आयरन को हीट होने के लिए लगा रहे हैं और इस पीसीबी को खोल रहे हैं, खोल के बाहर कर रहे हैं, तब तक बने रहिएगा। तो दोस्तों हम इस पीसीबी को खोल चुके हैं बाहर। और एक चीज़ और है, अगर आपको ये भ्रम है कि हम की घर भ्रम पड़ने का संभावना है कि इसके कनेक्शन हम भूल जाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक रिले को निकालिए और उसका कनेक्शन करते जाइए जैसे जैसे है, आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम है, बहुत सिंपल है, तो आसानी से आप कर लेंगे। तो अभी हम चेंज करके दिखाते हैं, बने रहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं तीनों रिले हमने लगा चुके हैं और इसमें एक इफेक्ट और बहुत गजब दिखाएंगे आपको। और इसको अपने डीमर के साथ हम जोड़ भी चुके हैं। इसके ढक्कन को हम लगा लेते हैं टेम्परेरी और इसको हम यहाँ से डीमर में सप्लाई है मेरे, इसको हम ऑन कर रहे हैं। यहाँ से वोल्ट मीटर लगा हुआ देखिए और 170-175 के लगभग दे दिए हैं। यहाँ पर हमारा जो है टाइमर के रीडिंग 30 सेकंड वाला धीरे धीरे माइनस में जा रहा है और देखिए आउटपुट दे भी दिया और आउटपुट भी कितना दिख रहा है अभी देखिएगा, 207 वोल्ट। तो यहाँ आपको अपने मीटर पे दिखा रहे हैं आउटपुट, यहाँ 207 वोल्ट अभी इनपुट देगा 154 पे 220 निकाल रहा है। पर दोस्तों पहली बार हम देखे तो हमको ये लगा कि इसमें हमको ट्यूनिंग भी करना पड़ेगा, इसके वोल्टेज को सेट करना पड़ेगा, लेकिन वोल्टेज जो है ये मीटर सही रीडिंग नहीं दे रहा। आउटपुट अभी देखिए 206.7 आ रहा है लेकिन 220 है। और यहाँ से अब एक स्टेप और बढ़ा रहे हैं, देखिए 205 का ये दिखा रहा है और यहाँ पे भी आपको दिखाएं 211, यहाँ 205 तो यहाँ पे 211 है। मतलब वोल्टेज इसका अभी तक परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है और आगे से भी इस तरह का कोई जो है इशू आने का संभावना नहीं है। तो ये छोटा सा हमारा एक वीडियो था जो कि कन्फ्यूजन वाला फॉल्ट इस तरह के कुछ आते हैं और वहाँ पर दिक्कत हो जाता है, क्या करें। तो हाँ रिले देखिए दोस्तों, रिले सारे एक साथ बदलना चाहिए अगर जो काफ़ी दिन के बाद खुल रहा है। तो इससे आपका बेनिफिट ये होता है कि रिकम्प्लेन आने का चांस नहीं होता है,
थोड़ा सा कस्टमर को कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन जब कंप्लेंट नहीं आएगा तो काम से खुश होगा कस्टमर। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।